बजरंग दल के सदस्यों द्वारा रिंकू शर्मा के कत्ल को लेकर हमीरपुर में भी बजरंग के सदस्यों ने रोष प्रकट किया है। जिहादियों द्वारा रिंकू शर्मा की हत्या की कड़ी निंदा करते हुए बजरंग के सदस्यों ने हमीरपुर में मीडिया के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। बजरंग दल के जिला अध्यक्ष पंकज भारतीय ने बताया कि रिंकू शर्मा राम मंदिर निर्माण के लिए दिल्ली में लोगों से दान इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन जिहादियों को इनका ये कार्य रास नहीं आया और उन्होंने रिंकू शर्मा की हत्या कर दी, जिसके चलते बजरंग दल के सदस्यों ने ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति से न्याय की मांग की है, ताकि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा हो। बजरंग दल के जिला अध्यक्ष पंकज भारती ने बताया कि दिल्ली की रिंकू शर्मा हत्या की उचित जांच की जाए, जिसके लिए उन्होंने एडीएम जितेंद्र साजटा के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि रिंकू शर्मा राम मंदिर के निर्माण के लिए लोगों से घर घर जाकर चंदा इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन जिहादियों को उनकी ये बात रास नहीं आई और उन्होंने रिंकू शर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी। उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति से मांग करते हुए कहा कि रिंकू को न्याय मिले व अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा हो। संपूर्ण हिमाचल प्रांत में आज बजरंग दल के कार्यकर्ता नई दिल्ली में हमारे एक कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की निर्मम हत्या के विरोध में देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से हम सौंपने जा रहे हैं। नई दिल्ली में जिहादी आतंकियों द्वारा जिस प्रकार एक निर्मम हत्याकांड किया गया है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी ही कम है। आप सबको विदित ही है कि संपूर्ण भारतवर्ष में इन दिनों श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास द्वारा निधि समर्पण अभियान चलाया गया है। उसी अभियान के निमित्त रिंकू शर्मा जो है वो दिल्ली के मंगोलपुरी क्षेत्र में घर घर जाकर जो था वो निधि समर्पण के कार्य में जुटे हुए थे। इस मानसिकता को वहाँ के जिहादी जो थे वो अपने विपरीत समझ रहे थे और उन्होंने रिंकू शर्मा का उनके घर में घुसकर बेरहमी से कत्ल कर दिया। ऐसे रिंकू शर्मा का उदाहरण केवल मात्र एकमात्र उदाहरण नहीं है, ऐसे कई उदाहरण देश के विभिन्न क्षेत्रों में हुए हैं जहाँ इस्लामी मानसिकता से जुड़े हुए ये जिहादी जो हैं उन्होंने हिंदू समाज के कई होनहार युवाओं को जो है वो हमसे छीनने का कार्य किया है। हम ये चाहते हैं कि देश का जो संविधान है, देश का जो कानून है, वो इन जिहादियों के प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और इन्हें 100 दिन के अंदर ट्रायल करके जो है वो इनको फांसी पे चढ़ाया जाए। ये करने का कारण एक और भी है, क्योंकि इनके मन में और इनके मस्तिष्क में एक बात है कि हिंदू समाज जो है वो प्रतिकार नहीं करता है, परंतु अब मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि हिंदू समाज प्रतिकार भी करता है और अगर आवश्यकता पड़ी तो प्रतिघात भी किया जाएगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास जो ये ज्ञापन देने का निर्णय है, उसमें हमारे बजरंग दल के सभी जो कार्यकर्ता हैं वो साथ में जाएंगे। अभी हम एडीएम साहब को ज्ञापन सौंपेंगे और उसके पश्चात जो है वो जैसे हमारे केंद्र से अगले दिशा निर्देश आएंगे उसके अनुरूप ही कार्रवाई की जाएगी।